उदय यादव मुर्दाबाद के नारे उनके मोहल्ले के लोग ही लगा रहे हैं। अंबेडकर चौक पर फोटोकॉपी के दुकान में दो पुलिस कर्मियों पर चली कैंची की घटना को लेकर घायल करने के मामले में गिरफ्तार दुकानदार की पत्नी और पूरे परिवार के साथ साथ मोहल्ले की कई महिलाएं जहानाबाद सदर विधायक सुदय यादव के घर का घेराव करने पहुंच गई। सुदय यादव के खिलाफ इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की। दुकानदार की पत्नी और कई महिलाएं दुकानदार की ओर से FIR दर्ज कराकर पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग कर रही थी। गिरफ्तार दुकानदार की पत्नी प्रियंका कुमारी ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी उसके दुकान पर फोटोकॉपी कराने के बाद पैसे नहीं दे रहे थे, पैसे मांगने पर गाली गलौज करने लगे और गला दबाने का प्रयास किया, जिस दौरान बचाव में उसके पति के हाथ में जो कैंची थी वो पुलिसकर्मी को लग गई। उसके बाद आई पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिसकर्मियों के खिलाफ थाना में FIR दर्ज नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि वे लोग कानून के ऊपर नहीं हैं, उनके ऊपर भी FIR दर्ज कर उन पुलिसकर्मियों की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। थाना और पुलिस सब मिले हुए हैं। महिला ने यह भी तर्क दिया कि उसका पति पुलिस को पुलिस लाइन में हमला करने तो नहीं गया था, फोटोकॉपी कराकर पैसे नहीं देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए वो विधायक से शिकायत करने पहुंचे हैं। विधायक जी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उनकी मांगों को पूरा करवाएं, वरीय पुलिस अधिकारी से मिलकर उनकी बात भी रखें। और इसी को लेकर लोग विधायक के घर का घेराव करने पहुंच गए थे। बता दें कि दो दिन पहले शहर के अंबेडकर चौक पर यह घटना घटी थी, जहां दो पुलिसकर्मी फोटो स्टेट दुकान पर हुए हमले में घायल हो गए थे। पुलिस उस मामले की भी जांच पड़ताल कर रही है और इसी मामले को लेकर हमले के आरोपी फोटो स्टेट दुकानदार के परिवार वालों ने विधायक से मिलकर फरियाद लगाई और कहा कि जब हम आपके साथ खड़े रहते हैं, वोट मांगने के दौरान आप हमारे साथ खड़े रहते हैं, तो अब हमें जरूरत है, हमारे साथ चलिए। इस दौरान फिर क्या हुआ, देखिए तस्वीरें। पावन कैसे है सर, आपको बताइए, आप झूठों के यानी कुर्सी लिए हुए हैं। जहानाबाद के राजद विधायक सुदय यादव को अपने ही घर पर विरोध का सामना करना पड़ा। देखिए तस्वीरें, किस तरह से लोग विधायक सुदय यादव के घर के बाहर जमा हो गए हैं और नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। लोग तो विधायक के विरोध में मुर्दाबाद के नारे भी लगाते सुने गए। लोग उग्र थे। जब विधायक अपनी गाड़ी में बैठकर जाने की कोशिश करते नजर आए तो लोगों ने रास्ता घेर लिया और फिर विधायक को मजबूरन पैदल ही उनके साथ जाना पड़ा। ये तस्वीरें जिला मुख्यालय स्थित देवरिया मोहल्ले की है। दरअसल शनिवार को जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक के पास फोटो स्टेट दुकानदार और पुलिस के बीच हुई झड़प के मामले में दुकानदार समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। स्थानीय लोगों का आरोप था कि पुलिस ने एक तो गुंडागर्दी की, दूसरी ओर निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया। इस मामले में लोग विधायक से मिलकर उनकी भूमिका का सही तरीके से निर्वहन नहीं किए जाने का विरोध करते नजर आए। काहे के लिए आप लोग यहां हुआ, मैं दुकान से मैं दुकान पर दुकान प्रशासन जाके रंगदारी करने लगा। अच्छा नहीं सर, आया पैसा मांग तो लेकर काम मांगा था, बोल कि नहीं देंगे, रंगदारी करने लगा, गाली गलौज के साला इसम बोल दिया, मारा पीटी करने लगा, नरेटी चापने लगा हमको, पति को देवर को कंचा ले रहा था, कंची अपना ही से छीन रहा था, पुलिस से तो भौंका गया, रंगदारी करने लगा, तुम पुलिस है तो कहा रंगदारी करेगा, हम लोग पति देवर को गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा। जो रोहित है, नाम रोहित है,
आयोग मनीष नाम है, गिरफ्तार नहीं कर रहा है न ही केस ले रहा, एफआईआर लीजिए। अच्छा, उसी के लिए हम लोग आए हैं, तो उनको भी गिरफ्तार कीजिए। कहाँ आप लोग आए हैं? हम लोग आए सुधा यादव विधायक भी, तो इनके घर के घेराबंदी की आप लोग? जी, नारा लगाए हैं भरवा है, हम लोग कोचे कमाते थे तब खाते थे, जो लोग गिरफ्तार करने कोचे खाएंगे, पुलिस है तो कह रहे हम लोग की इज्जत नहीं है। अब फिर आप लोग मतलब कि पुलिस लाइन में जाके कैंची मारे क्या? पढ़ाई काम करा, पैसा दीजिए, पैसा लगे मांगे तो नहीं, गाड़ी गरज करने लगे, माने पीटने लगे, लड़के चापले थे पटाक के पुलिस। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका कुमारी। विधायक की भूमिका से नाराज स्थानीय लोग विधायक के आवास पर पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। लोगों के आक्रोश को देखते हुए विधायक को स्थानीय लोगों के साथ ही पैदल डीएसपी आवास की ओर जाना पड़ा और लोगों की मांग डीएसपी के समक्ष रखनी पड़ी। वहीं विधायक ने भी इस पूरे प्रकरण को सकारात्मक रूप में लिया और कहा कि उनके समर्थक हैं, अगर उनसे शिकायत नहीं करेंगे तो फिर किससे शिकायत करेंगे। बहरहाल विधायक के आवास के बाहर लोगों का इस तरह से विरोध प्रदर्शन शहर में चर्चा का विषय बना रहा। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। वही जो दो तीन दिन पहले यहाँ ये महावीर फोटो स्टेट में वो दुकानदार और पुलिस के बीच में कुछ तूतू-मेमे हुई और उसी में मारपीट करके कुछ लोगों को पुलिस जेल बंद कर दिया है, उसी संदर्भ में हम मिलने गए थे और हमने सीधा पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी को ये बताया कि किसी भी परिस्थिति में निर्दोष लोग मतलब नहीं फंसना चाहिए और विश्वास भी दिलाया है कि ऐसा नहीं होगा, अगर कुछ अनजाने में हुआ होगा तो हम उसको सुधार करेंगे। नहीं, घर का घेराव नहीं, स्वाभाविक है कि चूँकि हमारे माने पड़ोसी लोग हैं तो उनको मालूम हुआ तो सब लोग आए, हम बोले कि ठीक है आप रहिए हम चलते हैं। जो जेल भेज दिए उसमें क्या आश्वासन? नहीं, बताया कि हम उसमें मतलब अगर आप लोग को लगता है कि जो लोग मतलब निर्दोष लोग हैं तो आप लोग लिख के दे दीजिए, हम उसको सुधार करने का प्रयास। स्वाभाविक है भाई कि लोकतंत्र में अधिकार है उसका।